दोस्तों, ये खूबसूरत और रहस्यमयी आर्टवर्क उम्बर्टो रोमानो ने 1937 में बनाया था, जिसमें हम स्प्रिंगफील्ड्स मैसाचुसेट्स के फाउंडर विलियम पिंचन और कॉलोनिस्ट को देख सकते हैं। अगर हम पेंटिंग में मौजूद नेटिव अमेरिकन को ध्यान से देखें तो लगता है जैसे उसने स्मार्टफोन पकड़ रखा है। अगर ये भी काफी नहीं है तो इस मंकी कार्विंग को देखिए, जिसमें एक बंदर को स्पेस सूट पहने दर्शाया गया है। ये कार्विंग 16 सेंचुरी में बनाई गई थी। इसी तरह के आर्टवर्क्स को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कोई काल्पनिक बात नहीं है, और आमतौर पर लोगों के साथ टाइम स्लिप्स की घटनाएं होती रहती हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम 5 अननोन और रियल टाइम स्लिप्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। यह 1987, जेकब मिचेल लेट नाइट शिफ्ट्स में काम करते थे। उनके साथ काम करने वाला वर्कर भी लेट शिफ्ट में सालों तक उनके साथ रहा। इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, भले ही उन दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर था। जेकब 20 के थे और उनका मित्र 50 वर्ष का। जेकब ने एक बार उससे किसी पैरानॉर्मल एनकाउंटर के बारे में पूछा तो उनके मित्र ने उन्हें अपना टाइम स्लिप का किस्सा सुनाया, जो कि काफी हैरतअंगेज था। उसके अनुसार ओहायो में बहुत साल पहले एक टाउन था जो ज्यादातर पेड़ पौधों और जंगलों से घिरा हुआ था। वहां बहुत ही कम घर थे और कुछ ही फार्म हाउसेस थे। उस टाउन में जब भी वो जाता था तब उसका कंपस और वॉच अजीब बर्ताव करने लगते थे, लेकिन इसका कारण उस व्यक्ति को समझ नहीं आता था। एक बार उसने अपने दोस्त के साथ शिकार पर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों उसी टाउन के पास जंगल में हंटिंग कर रहे थे। काफी देर बिताने के बाद भी उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला तो वो दोनों वापस आने लगे। तभी उन्हें एक नौजवान व्यक्ति ट्रैक्टर में उनकी तरफ आते दिखाई दिया। वो 30 वर्षों का लग रहा था। उस किसान ने उन दोनों से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद वो दोस्त बन गए। किसान ने उन्हें कहा कि अगर कभी उन्हें यहाँ शिकार करने में कोई तकलीफ आए तो वो उसका नाम बता दें, फिर वो आराम से हंटिंग कर सकते हैं। अब 2 सालों के बाद वो दोनों फिर वहीं शिकार करने पहुंचे, लेकिन इस बार एक छोटा लड़का उनकी तरफ आया। उन्हें पता था कि ये उनके दोस्त की जमीन है, इसलिए उन्होंने लड़के से कहा कि वो उसके पिता से परमिशन ले चुके हैं। उस लड़के ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया और अपने फार्म हाउस पर ले गया। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ था जिसकी उम्र 90 वर्ष की थी। लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने इन्हें यहाँ शिकार करने की परमिशन दी है। वो बूढ़ा तुरंत उन्हें पहचान गया और उसने कहा कि तुम दोनों ने आने में इतने साल लगा दिए। वो बूढ़ा व्यक्ति हैरान था कि वो दोनों लगभग उतनी ही उम्र के थे, जबकि उसका पोता भी लगभग उनकी उम्र का हो चुका था। वो दोनों व्यक्ति ये देखकर घबरा गए और उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। वो इस किस्से के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 2 सालों के अंदर वो 30 साल का व्यक्ति 90 साल का कैसे हो गया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले ट्रिप के दौरान वो लोग भूतकाल में चले गए थे। अक्टूबर 1963 की एक सुबह नेब्रास्का वेस्लियन यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर सैम डहल ने अपनी सेक्रेटरी कॉलीन ब्यूटरबॉग को कैंपस की सीसी वाइट बिल्डिंग में लेक्चरर को एक मैसेज देने के लिए भेजा। उन्हें ढूंढते हुए अचानक कॉलीन का ध्यान फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस के नॉर्थ की तरफ गया। उस रूम की सभी विंडोज खुली हुई थी और वहां से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे वो रूम सालों से बंद था। अंदर जाते ही उन्हें एक महिला दिखाई दी जिसे वो जानती ही नहीं थी। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर कॉलीन का स्टेटमेंट मौजूद है, जहां उन्होंने बताया है कि एक लंबी और जवान महिला कैबिनेट के पास खड़े होकर ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रही थी। इतना ही नहीं, जैसे ही कॉलीन की नजर खिड़की के बाहर पड़ी
उन्हें ऐसा नजारा दिखाई दिया जो सदी का लगता ही नहीं था। स्ट्रीट्स गायब हो चुकी थीं, बिल्डिंग्स की जगह पेड़ पौधे और खाली लैंडस्केप था। अपने अनुभव से घबराकर कोलीन उस रूम से बाहर आ गई। कोलीन ने तुरंत जाकर ये बात डीन को बताई, जो इसे सुनकर काफी हैरान थे। उन्होंने ये किस्सा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को बताया। उन्हें शक हुआ कि शायद कोलीन समय यात्रा का अनुभव कराई हैं, लेकिन इसकी पुख्ता जांच करने का एक ही तरीका था। उन लोगों ने यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से पता किया कि पहले उस ऑफिस में कितनी महिलाएं काम कर चुकी हैं, और कोलीन के डिस्क्रिप्शन के अनुसार एक वैसी ही महिला यूरेनिया क्लारा मिल्स उसी रूम में 28 साल पहले काम करती थी। इतना ही नहीं, इंग्लिश प्रोफेसर भी इस डिस्कशन में शामिल हुए और उन्होंने कोलीन को बुलाकर फिर एक बार वो किस्सा सुना, क्योंकि वो लंबे समय से वहां काम कर रहे थे। उन्होंने पाया कि कैंपस की बिल्डिंग्स बनने से पहले वो इलाका ठीक वैसा ही था जैसा कि कोलीन ने डिस्क्राइब किया। उन्होंने कोलीन को पुरानी यूनिवर्सिटी ईयरबुक्स दिखाई और कोलीन ने तुरंत क्लारा मिल्स को पहचान लिया। साथ ही कोलीन ने उस बिल्डिंग को भी पहचान लिया था जो कैंपस बनने से पहले यहां मौजूद थी। हैरानी की बात है कि कोलीन पहली ऐसी महिला नहीं थी जिन्हें उस रूम में ऐसा अनुभव हुआ। उनसे पहले भी कई लोगों ने वहां टाइम स्लिप्स अनुभव किए और क्लारा मिल्स को भी देखा था। अक्टूबर 1916, यूके विल्टशायर की एक शाम तेज बारिश हो रही थी। एडिथ ओलिविया डिवाइसेस से स्विंडन की ओर ड्राइव कर रही थी। उन्होंने सोचा कि बारिश में गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने रात को स्टे करके दूसरे दिन निकलने का फैसला किया। उन्होंने मेन रोड से हटकर होटल ढूंढना शुरू किया। तभी वो एवंसबरी के नियोलिथिक ग्रे मॉन्यूमेंट्स की साइट पर पहुंच गई। ये जगह स्टोनहेंज से आधे घंटे की दूरी पर स्थित थी। वो कार से बाहर आकर इस साइट को एक्सप्लोर करने लगी। तभी ओलिविया को उन स्ट्रक्चर्स के करीब कॉटेजेस दिखाई दिए। बारिश के बीच ही उन्हें एक गांव भी दिखाई दिया जहां पर मेले जैसा कोई आयोजन चल रहा था। गांव वालों को मौसम से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, वो सब हंस रहे थे और मौज कर रहे थे। किसी के पास कोई छाता नहीं था। ओलिविया ने सोचा उस मेले को जाकर देखना चाहिए, लेकिन बारिश और तेज हो गई तो वो वापस लौट आई। अब 9 सालों तक तो ओलिविया को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर एक बार वो एवंसबरी की साइट पर पहुंची। तब उन्हें गाइड बुक और आसपास के लोगों से पता चला कि वहां लगने वाला मेला 1850s में ही बंद हो चुका था। इतना ही नहीं, 1916 में वो जिस साइट पर पहुंची थी उस साइट के मॉन्यूमेंट्स 1800s में ही खत्म हो चुके थे। ओलिविया उसी साइट पर घंटों तक खड़ी रही कि काश वो नजारा फिर से एक बार दिखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ पलों के लिए उन्होंने समय यात्रा का अनुभव किया। जून 1968, शार्लेट वर्बंटन नाम की एक महिला अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए यूके के कैंट टाउन गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अलग अलग शॉपिंग करते हैं और बाद में मिल जाएंगे। शार्लेट एक खास तरह की कॉफी की तलाश में थी जो सिर्फ उसी जगह पर मिलती थी। वो अपनी पहचान की एक शॉप में एंटर हुई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान थी, क्योंकि उनकी जानी पहचानी दुकान की जगह एक कॉफी शॉप मौजूद थी। ये जगह काफी एंटीक सी लगती थी। इसकी दीवारें लकड़ी की थी और डेकोरेशन भी काफी विंटेज था। रूम में कोई खिड़की नहीं थी और वो जगह पीली रोशनी से जगमगा रही थी। वहां कुछ पुरुष और महिलाएं बैठकर कॉफी पी रहे थे। 11 बज चुके थे तो शार्लेट वहां से निकल आई। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि आखिर उन सब ने पहले के जमाने की ड्रेस क्यों पहनी थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद वहां पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों था और उन्हें कॉफी की खुशबू क्यों नहीं आ रही थी। अब शार्लेट अपने हस्बैंड से मिली और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। कुछ समय बाद वो फिर शॉपिंग करने आए थे।
तब शार्लेट ने सोचा अपने हस्बैंड को वो अजीब कैफे दिखाएंगी, लेकिन अब वहां वही पुरानी दुकान थी जिसे शार्लेट पहचानती थी। अब शार्लेट कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। उन्होंने वहां आसपास जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि वहां 150 साल पहले एक कैफे मौजूद था। शार्लेट समझ गई कि वो गलती से टाइम स्लिप अनुभव कर चुकी हैं। यो 1974, मेजर एयरलाइन 727 फ्लाइट मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करने को तैयार थी, लेकिन तभी कंट्रोल टावर ने पायलट से कहा कि वो तुरंत फ्लाइट को आइसोलेटेड इमरजेंसी रनवे पर उतार दें। पायलट को ये काफी अजीब लगा क्योंकि फ्लाइट सामान्य तरीके से उड़ रही थी और कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। पायलट ने आराम से प्लेन को लैंड कर दिया। सिक्योरिटी ने तुरंत पैसेंजर्स को फ्लाइट से बाहर निकाला। फ्लाइट के बाहर फायर फाइटर्स और लॉ एनफोर्समेंट टीम भी मौजूद थी। अब कैप्टन का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हेड ने उन्हें बताया कि आपके प्लेन का कॉन्टैक्ट रेडार कंट्रोल से 10 मिनट के लिए खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, ये फ्लाइट आंखों के सामने से गायब भी हो गई थी। प्लेन कॉकपिट में और कैप्टन की वॉच में 9:20 हो रहे थे। सभी पैसेंजर्स की घड़ियां भी यही टाइम बता रही थी, लेकिन असल में 9:30 बज चुकी थी। फ्लाइट 727 दरअसल 10 मिनट तक एक्सिस्टेंस से गायब हो चुकी थी। फ्लाइट 727 का केस आज तक अनसॉल्व्ड है। 2013 में पब्लिश हुई बुक ट्रू टाइम ट्रेवल स्टोरीज में इस केस को कवर किया गया है। इसके अलावा मार्टिन केडिन की घोस्ट ऑफ द ईयर भी इसी फ्लाइट के बारे में है। मायामी हेराल्ड न्यूज़पेपर में उस दौरान इस न्यूज को कवर किया गया था। दोस्तों, समय यात्रा को भले ही विज्ञान ना मानता हो, लेकिन अक्सर ऐसे किस्से लोगों के साथ दुनिया भर में होते रहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।